दोस्तों, देश में एक साजिश के तहत लोगों को वेद पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। जितने धर्म गुरु हैं वो भी बोल रहे हैं कि कलयुग में वेद का पठन पाठन बंद हो जाता है। जबकि दोस्तों, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर ये समय के नाम हैं। वेद में कहीं नहीं लिखा कि ये कलयुग में इसका पठन पाठन बंद हो जाता है। वेद नहीं पढ़ने के कारण देश में 60 लाख करोड़ रुपए की लूट हर वर्ष हो रही है। आज की तारीख में हमारे पास इस पैसे 60 लाख करोड़ रुपए को बचाने के पूरे प्रमाण हैं। इस पूरे पूरे खेल को समझने में मुझे 15 साल लग गए। दोस्तों, ये अनुभव मुझे अच्छी तरह समझ में इसलिए आया कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, एक गवसी डॉक्टर हूँ, एक किसान हूँ, एक उद्योगपति हूँ और मैंने 4 वेदों का अध्ययन भी किया है। आज से 15 साल पहले मुझे एक सोरायसिस रोग हो गया था जिसका आधुनिक संसार में कोई इलाज नहीं है। मैंने इस रोग का पूरे भारत में इलाज करवाया तब भी मैं ठीक नहीं हुआ। जबकि अथर्ववेद के पहले अध्याय के 24वें मंडल में 3रे मंत्र में इसका इलाज बताया गया है। दोस्तों, देश में लूट की कहानी किसान से शुरू होती है। सबसे पहले किसान को 3 लाख करोड़ रुपए का जहर के रूप में रासायनिक खाद और कीटनाशक दिया जाता है, जिससे भारत सरकार भी किसानों को 70 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। जब खेत में ये जहर डालते हैं तो पूरी मिट्टी कठोर एवं जहरीली हो जाती है और पानी भी जहरीला हो जाता है। इससे पूरे मानव जाति एवं जीव जंतु के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। मिट्टी कठोर हो गई है जिससे बारिश का पानी भी जमीन में नहीं जाता है। जहां पहले 20 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर जुताई करते थे, अब वह 60 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर जुताई कर रहे हैं। कठोर भूमि होने के कारण जमीन में बारिश का पानी भी नहीं जा रहा है, जिसके कारण जमीन में पानी लगातार नीचे चला गया है। यदि हम 40 फीट से 10 हॉर्सपावर के मोटर से पानी लेते हैं तो वह मोटर 1 घंटे में 1 लाख लीटर पानी देती है, और यदि वही मोटर हम 300 फीट पर पानी लेते हैं तो केवल 10 हजार लीटर पानी देते हैं। इसका मतलब यह है कि 10 गुना बिजली का ज़्यादा खपत हम किसान कर रहे हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशक, महंगे पानी से किसान दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। खेत में जहर दे दिया, पूरा भोजन भी जहरीला बन गया है। अभी जहरीले से भोजन से देश के 90 करोड़ लोग बीमार हैं। अब यहीं से दूसरी लूट की कहानी शुरू होती है। अब दूसरी लूट शुरू होती है। यूरोप की एलोपैथी विधि से इलाज शुरू होता है, जिसमें जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। एक दवाई खाने से दूसरे बीमारी भी लग जाती है। दोस्तों, एक मधुमेह रोग से देश में 2.25 लाख करोड़ रुपए की लूट हो रही है। यह खबर मैंने कुछ दिन पहले नई दुनिया में पढ़ी थी। जबकि भारत सरकार का प्रतिवर्ष का बजट केवल 20 लाख करोड़ है। दोस्तों, मानव शरीर के सभी रोगों की दवाई पर देश में 30 लाख करोड़ रुपए की लूट हर वर्ष हो रही है। कुल मिलाकर एलोपैथी दवाई, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाई, बिजली, डीजल, पैक्ड भोजन, चाय, कॉफी, पिज्जा, बर्गर, पेप्सी, कोका कोला, फर्टिलिटी सेंटर, डेंटल कॉलेज, कोचिंग सेंटर, यूरोप की शिक्षा व्यवस्था, यूरोप विधि से नए नए मेडिकल कॉलेज, इन सभी से देश में हर वर्ष 60 लाख करोड़ की लूट हो रही है। अब हम इसके समाधान पर आते हैं। हम अपने फार्म हाउस पर सुभाष पालेकर की विधि से आध्यात्मिक खेती कर रहे हैं। इस विधि में एक देसी गाय के ताजे गोबर एवं गोमूत्र से
बगैर किसी रासायनिक खाद के 5 एकड़ खेती आराम से हो जाती है। इस विधि से खेती करने पर अब हमारे खेत में जो पानी का लेवल 10 साल पहले 400 फीट पर था, वह आज 50 फीट पर पानी उपलब्ध है। मिट्टी भी मुलायम हो गई है, जिसके कारण अब छोटे ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। दूसरा, वेद अनुसार हम पंचगव से मानव शरीर के सभी रोगों का संपूर्ण इलाज कर रहे हैं। वेदों के मंत्रों में शरीर के सभी रोगों को ठीक करने की विधि बताई गई है। दोस्तों, हम सभी लोग कैंसर को सबसे ज्यादा खतरनाक मानते हैं। अथर्ववेद के अध्याय 6 मंडल 57 मंत्र संख्या 2 में कैंसर का संपूर्ण इलाज बताया गया है। दोस्तों, हम अपने चिकित्सा सेवा सेंटर में कैंसर, सफेद दाग, सोराइसिस इत्यादि सभी रोग वेद मंत्रों के आधार पर संपूर्ण इलाज कर रहे हैं। वेदों में पूरा विज्ञान दिया हुआ है। दोस्तों, देश में लूट को बचाना है तो सबसे पहले हमको वेद पढ़ने होंगे। मैंने भी हरिशरण जी के हिंदी में अनुवाद किए वेद पढ़े हैं। चारों वेदों का भावार्थ समझने के लिए आपको केवल 200 घंटे ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। मुझे भी वेद पढ़ने के बाद ये लूट समझ में आई है। ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राकेश उपाध्याय मेरा फ़ोन नंबर 9926185001 है। धन्यवाद।